बेटा नहीं था मैं किसी बड़े पाप का, सर पे नहीं था हाथ किसी बड़े सांप का, दे दे जो साथ पकड़ के हाथ, यही सोचता था मैं दिन हो या रात। किस्मत में मेरे नहीं पैसे की लकीर, कहते थे ऐसे बड़े चूची फकीर, क्या कर पाएगा कुछ न बन पाएगा, ऐसे ही जीवन तेरा पूरा कट जाएगा। बोलते थे मुझे सारे जादू छोटे काम कर, थक जाए तो बेटा जाके चूकी में आराम कर, तू पहले जाके बेटा अपनी औकात देख, आके खोल देख अपने आस पास देख, कोई तो लगा बड़ा 10-20 साल से, कई तो फंसे पड़े हैं फटे हाल में, नियत ही यही कि ये कीड़े मकोड़े हैं, किस्मत ने मारे इनको कोड़े ही कोड़े हैं। दिन में 200 करोड़ का बिजनेस वैल्यूएशन होगा कैसे, उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, तो प्लानिंग का चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम काम करेंगे बजटिंग का। बजटिंग में सबसे पहले हमें आपको क्या देखना है कि हमारे पास कितना फंड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए का है और आपके पास 20 लाख रुपए है, तो फंड्स कितना अवेलेबल है 20 लाख रुपए। उसके बाद फंड्स रिक्वायर्ड कितना है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, तो ये हो गया फंड्स रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको देखना है कि जो टोटल फंड आपके पास 2 करोड़ होगा उसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे सेटअप कॉस्ट कितनी आने वाली है, टूल्स मशीनरीज इक्विपमेंट। उसके बाद मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब उस बिजनेस को अगर आप रन करेंगे तो अगले 6 महीने तक हर महीने कितनी कॉस्ट आपके आने वाली है। उसके बाद में आप कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन आप जब करेंगे तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में आपको यह भी देखना है कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं। फिक्स में क्या आ गया, रेंट हो गया, परमानेंट स्टाफ हो गया, जनरल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो फिक्स, और प्लस आपने अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं। साथ में आपको देखना है कि उस पूरे खर्चे को मीटअप करने के लिए कितना सेल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना आपका खर्चा मंथली हो रहा है वो सारा कवर हो जाए, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको बनानी है, और उससे ऊपर जो सेल आएगी उसमें आपको होने वाला होगा प्रॉफिट। इस पूरी सीरीज को हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और बहुत जल्दी आपको मैं पूरा बिजनेस सेटअप दिखाने वाला हूं कि 200 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा कैसे पार किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही नहीं कोई स्टार बनता है और यूं ही नहीं बड़ा व्यापार बनता है। 200 करोड़ की बिजनेस वैल्यूएशन की 200 दिन में जो हम करने वाले हैं सीरीज में, मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको बिजनेस प्रपोजल डिजाइन करने के बाद अपने इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट में कौन से लोग होंगे, आप कहेंगे मेरे पास तो इन्वेस्टर है ही नहीं। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे वो लोग जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे फाइनेंशियली साउंड हैं, नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, पैसा ब्याज पर भी देते हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं, और उन लोगों की लिस्ट बनाने के बाद आप ऑर्गेनाइज करें आपके पास के एक होटल में मीट एंड ग्रीट, जिसको आप कॉर्पोरेट मीट भी बोल सकते हैं, और वहां पर शो करें अपने बिजनेस का पूरा प्रपोजल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े इन्वेस्टर हैं या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपना प्रपोजल नए लोगों को देने के लिए तैयार हैं। विश्वास माने, अगर आप 50 लोगों की मीट करेंगे तो ऑन एवरेज 3 से 4 लोग आपके बिजनेस में एक इन्वेस्टर के रूप में आपके साथ आएंगे और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने में भरपूर आपकी सहायता करेंगे। और धीरे धीरे जब लगातार आप इस तरह से इन्वेस्टर मीट करते रहेंगे तो सैकड़ों की संख्या में लोग आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैं तो कर रहा हूँ 200 दिन में 200 करोड़ की ये सीरीज, मैं चाहता हूँ कि सीखने के साथ साथ आप इसको जरूर इम्प्लीमेंट करें।